किसी भी कलाकार के लिए परीक्षा की घड़ी उस समय होती है जब वह किसी बड़ी शख्सियत की बायोपिक में उसका किरदार निभा रहा होता है, क्योंकि उसे एक बायोपिक में इंसान का पूरा जीवन एक रील में दिखाना होता है। कुछ ऐसी ही परीक्षा इन दिनों एक्टर विवेक ओबेरॉय देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, विवेक इन दिनों सन्यासी, स्वयंसेवक तो कभी पगड़ी वाले सरदार के गेटअप में दिख रहे हैं। वह फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में एक नौजवान से लेकर बुजुर्ग तक के रूप में दिखेंगे। कुछ ही देर पहले ट्रेंड एनालिसिस तरंग आदर्श ने अपनी सोशल मीडिया वॉल पर एक तस्वीरों का कोलाज शेयर किया है, जिसमें विवेक ओबेरॉय के अलग अलग 9 रूप हैं। इन 9 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जल्द रिलीज होने जा रही पीएम मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी में विवेक कितने रूप में पर्दे पर आएंगे। इस तस्वीर को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि इस बायोपिक में डायरेक्टर उमंग कुमार ने पीएम मोदी के जीवन के अलग अलग दौर को समेटने की पूरी कोशिश की है। इन 9 तस्वीरों में कम उम्र में घर त्यागने वाले युवा से लेकर देश को समर्पित इंसान के कई अवतार साफ नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस फिल्म में अमित शाह की भूमिका अभिनेता मनोज जोशी निभा रहे हैं। फिल्म में दर्शन कुमार, बोमन ईरानी, प्रशांत नारायण, जरीन वहाब, बरखा भिष्ट, सेन गुप्ता, अंजन श्रीवास्तव, यतीन कारेकर, राजेंद्र गुप्ता और अक्षत आर सलूजा मुख्य भूमिकाओं में हैं। सुरेश ओबेरॉय, आनंद पंडित और आचार्य मनीष भी फिल्म के निर्माताओं में हैं। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को रिलीज होने वाली इस फिल्म का दूसरा पोस्टर जल्द ही रिलीज होने वाला है। द भारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।